हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर एट पीपल्स वॉइस को। दरअसल हमने कई सारे एक्सपोजिंग है वो वीडियो किए हैं, आज तक का किया है, राजस्थान पत्रिका का किया है, कई सारे एबीपी न्यूज का भी हमने किया है। आप हमारे सारे जो वीडियो है वो देख सकते हैं और लास्ट में हम इसकी एंड स्क्रीन भी उन सारे वीडियोज की लगा देंगे। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अक्सर आपके भी ये जहन में होता होगा कि आखिर मीडिया बिकता कैसे है और किस प्रकार से है वो बिकने का जो काम है वो करता है, और किस प्रकार से फेक न्यूज को सही न्यूज और सही को फेक न्यूज बनाने की कोशिश करता है, और किस नेता की छवि को धूमिल करने के लिए कितना क्या कुछ करना पड़ता है। हमारी रिपोर्ट्स आप अलग अलग देख चुके हैं कि किस प्रकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर लगातार एबीपी न्यूज आज तक और राजस्थान पत्रिका तक के हमने एक्सपोजिंग आपको दिखाए हैं कि किस प्रकार वो सारे माहौल को छोड़कर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के है वो पीछे पड़े रहते हैं और उनको किसी ना किसी प्रकार से बदनाम करने की पूरी जो साजिश है वो उनकी लगी हुई रहती है। आज हम बता दें कि कितना पैसा इनको मिलता है और किस प्रकार से ये काम करते हैं। आपको बता दें कि जो मीडिया है वो कभी सीधा सपोर्ट किसी पार्टी का नहीं करता, वो सरकार जैसे आती है उसी प्रकार से वो काम करता है। हिडन एजेंडा के तहत उनको जिस तरह पैसे ज्यादा मिलेंगे उस हिसाब से वो पैसा काम करेंगे। कैसे काम करता है हम आपको इसको बता दें। मीडिया को एक स्पेशल रिपोर्ट दी जाती है, जो भी पार्टी मीडिया को काम में लेने की सोच रही है, जैसे कि हम मीडिया है या कोई बड़ा चैनल मीडिया है, हमें तो कौन देगा, लेकिन बड़ा चैनल कोई बड़ा मीडिया है और उसकी प्रभावशाली फैन फॉलोइंग है या उसको देखने वाले व्यूअर्स है, उस हिसाब से उनकी कीमत तय की जाती है। आप सोच सकते हैं कि जब कल एक कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह तय हुआ था कि जो एक्टर्स है वो किसी भी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए केवल 160 शब्द लिखने के 1.5 लाख से 2 करोड़ रुपए लेते हैं। तो आप एक सोचिए कि एक स्पेशल स्टोरी आधे घंटे की, एक घंटे की टीवी चैनल पर चलाने के लिए न्यूज चैनल्स वाले कितने करोड़ों रुपए लेते होंगे। हाँ, ये सच है कि जो बड़े चैनल है उनकी ज्यादा कीमत है, जो छोटे चैनल है उनकी ज्यादा कम कीमत है थोड़ी, लेकिन उनकी जो कीमत है वो ये साफ है कि करोड़ों के अंदर। आधी घंटे की जो डिबेट होती है, आधी घंटे का जो स्पेशल कार्यक्रम होता है, किसी की छवि धूमिल करने का जो कार्यक्रम होता है, उससे सारे से एक्सपोजिंग करने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ये पैसे किस प्रकार से काम दिया जाता है मैं आपको बताता हूं कि जैसे भारत के अंदर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, ये सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी को आप वोट दो, लेकिन ये क्या करेंगे कि ये इस प्रकार से उस कार्यक्रम को करेंगे कि जैसे आज नरेंद्र मोदी कहीं गए या वो आ रहे, उनके प्रति सवाल पूछने की बजाय उन जो असल मुद्दे हैं उनको इस तरीके से डाइवर्ट कर देंगे कि जैसे देश में कुछ घटित ही नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान की जो सरकार है उसका कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें रोल अप ही नहीं है। जैसे बेरोजगारी की रिपोर्ट आई, मीडिया ने 1% भी उसे जारी नहीं की। पुलवामा का अटैक हुआ, पुलवामा के अटैक पर पाकिस्तान को घेरने के लिए तो रहे, लेकिन बीजेपी को नहीं घेर पाए। तो ये सवाल क्या जरूरी नहीं था कि 350 किलो RDX कहां से आया, लेकिन मीडिया ने उसको भी नहीं पूछा। ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण आपको बता सकता हूं कि जिनके द्वारा बीजेपी पूरी तरीके से 5 साल के अंदर फेल हुई, लेकिन टीवी चैनल्स, मीडिया चैनल्स पर आज भी नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलरता है, लोकप्रियता है, वो पहले की तरह बरकरार है। टाइम्स नाउ का कल ही एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी आज भी 90% उनके चैनल्स के मुताबिक करीब 90% लोग आज भी नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि अच्छा आदमी है। मतलब उनके अलग अलग आंकड़े जोड़े उन्होंने कि 60% लोग कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया, 20% लोग कहते हैं कि बढ़िया, और 9% लोग कहते हैं कि अच्छा है। मतलब कुल मिलाकर शानदार बताने वाले लोगों की संख्या है वो 90% और खराब बताने वाले लोगों की परसेंट है 10। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि आज नरेंद्र मोदी की जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट है वो किस प्रकार की है और मीडिया के अंदर उनकी रिपोर्ट है कैसे है। अब बदनाम करने की बात, जैसे कल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अनिल अंबानी के खिलाफ, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल्स ने उसको नहीं दिखाया। यहां तक भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पैसे तो भरो, अगर नहीं भरते हो तो आपको जेल भी काटनी पड़ेगी, लेकिन नहीं दिखाया। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऊपर एक टिप्पणी की थी कि आपको मूर्तियों के पैसे है वो जमा करवाने चाहिए, यह भी नहीं कहा था कि आप नहीं जमा करवाएंगे तो आपको फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा या आपको जेल होगी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने साफ कहा था कि हम
जो वकील हमारे वहां पर बीएसपी के डिफाइंड कर रहे थे उनको ये बोला कि आप अपने क्लाइंट को जाकर कह दीजिए कि जो मूर्तियां आपने लगाई है उनके आपको पैसे जो है लगाने चाहिए। लेकिन उन मामलों के अंदर मीडिया ने, आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस खबर को है तोड़ मोड़ कर तो जो पेश किया तो किया, लेकिन मेन बहन जी के खिलाफ उस मीडिया को कवरेज को इतना तरीके से पेश किया गया, जेल जाएगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का देखिए करोड़ों का महल, ना जाने आप आज भी देख सकते हैं कि उस मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जितने की जितनी सारी संख्याएं हैं खबरें हैं उठाकर देख लीजिए उस दिन की, इतनी खतरनाक और भयानक तरीके से उनको किया जा रहा है। जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने महापुरुषों की मूर्तियां नहीं लगी, किसी राक्षसों की मूर्तियां लगा दी हो और इस देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला कर दिया हो जिसकी कोई हद ही नहीं हो। दरअसल आपको बता दें कि उसके बाद बहुजन समाज के लोग भी आ गए और उन्होंने कहा कि बहन जी को जरूरत नहीं है जमा करवाने की, हम अपने महापुरुषों के लिए बहन जी के साथ हैं और उनको पैसे देने के लिए तैयार हैं। हमारे नीचे भी व्यूअर्स ने लिखा था कि हम भी बहन जी के साथ है, कर्मचारी नहीं बल्कि आम आदमी भी है, वो बहन जी को पैसे देने के लिए तैयार है अगर वो मूर्तियों के पैसे जमा करवाने पड़े तो। ये तो उनके प्रति प्रेम था, उसको मीडिया कवरेज नहीं करता। किस लिए नहीं करता? क्योंकि बहन जी कभी किसी मीडिया वाले को पैसे नहीं देती। ये बात मानेवर साहब काशीराम कहते थे कि मनी, मीडिया और माइंड ये ऐसी चीज है जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। मीडिया हम लोगों के खिलाफ है, इस तरीके से भ्रामक खबरें फैलाता है कि हमें खुद नहीं पता चलता कि वो फेक है, ओरिजिनल है या सच है। जो सच्चे पत्रकार है और सच्चे पत्रकारिता करते हैं उनकी ज्यादा दिन चलती भी नहीं है, लेकिन जो झूठे और मक्कार पत्रकार और पत्रकारिता होती है उनकी आज फेल फॉलोइंग भी होती है, वो करोड़ों के अंदर होती है। ये सच्चाई है, लोग भी झूठ देखना पसंद करते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर ये बात साफ हो चुकी है कि एक व्यक्ति की, जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऊपर वो जो स्पेशल कवरेज चलाई गई थी उनको चलाने के लिए बीजेपी की तरफ से हो या सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से हो या किसी पार्टी की तरफ से हो, मीडिया चैनल्स को करोड़ों करोड़ों रुपए दिए गए थे, तब जाकर बहन जी पर उन्होंने आधे आधे घंटे की है वो स्पेशल कवरेज बना बनाकर दिखाई थी। इससे साफ हो चुका है, इससे पहले भी बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हो चुके हैं जिनमें मीडिया पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। मतलब एक आधे घंटे के चैनल चलाने के लिए, कार्यक्रम चलाने के लिए करोड़ों रुपए है वो पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं एक व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए, जबकि हकीकत में होता कुछ भी नहीं है। मिलेंगे हम किसी नए वीडियो के साथ, आप वीडियो को शेयर करना ना भूले, पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट भी। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।